एक बार मार्क्यू टैग को यूज करके देखते हैं। नोटपैड पे हम लोग चलाएंगे, नोटपैड, नोटपैड के फाइल के एक्सटेंशन .txt होती है, नोटपैड सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है जिसके चलते जो भी HTML से रिलेटेड कोडिंग होती है वो नोटपैड पे ही होती है, ठीक है। अब इस पर हमको कोडिंग करनी है, तो कोडिंग कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा देता हूँ यहाँ से, जो यहाँ पे फॉन्ट की साइज है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा ताकि देख पाने में सुविधा हो। इसके लिए मैं फॉन्ट की साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, 18 कर देता हूँ। यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ HTML से स्टार्ट करना है। ये HTML हो जाएगा, फिर हेड हो जाएगा, फिर यहाँ से टाइटल हो जाएगा, तो अभी हेड के बाद टाइटल भी लिख देना है, यहाँ पर TITLE टाइटल हो जाएगा। और टाइटल में क्या हम देंगे, जैसे हमारा टाइटल इस समय है लाइक मार्क्यू का, तो यहाँ मार्क्यू कर दिया। अभी मार्क्यू के एट्रीब्यूट देखेंगे, अलग अलग जो भी एट्रीब्यूट होते हैं उन सब के बारे में जानेंगे। और यहाँ से हेड को क्लोज कर देते हैं, और ये हेड को क्लोज करने के बाद यहाँ पर बॉडी टैग को ओपन कर लेते हैं। क्या हम बैकग्राउंड पे कोई कलर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ से BG कलर देंगे। और कलर की स्पेलिंग ध्यान रहे, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन कलर की स्पेलिंग यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश में लिखी जाती है, तो यहाँ पे रेड, पिंक, येलो कर देते हैं, कुछ भी ऐसे। तो ये येलो कर दिया हमने, और येलो करने के बाद यहाँ पर डॉटेड कॉमा को क्लोज करके, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करके नीचे आएंगे। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब हमको लगाना है मार्क्यू टैग, तो मार्क्यू पे हम बैकग्राउंड भी प्रिंट कराएंगे। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मार्क्यू जो है H1 यानी हेडिंग में आए, तो यहाँ पे मार्क्यू लिखा हमने, और मार्क्यू पर मैं बीजी कलर कर देता हूँ। मार्क्यू बीजी कलर इज इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं हम लाइक सपोज कीजिए पिंक, PIN के पिंक, तो ये कलर हो गया। और यहाँ से इसको बंद करेंगे, और यहाँ पर कोई भी एक शब्द हम लिखेंगे, कुछ भी, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे INDIA, ये इंडिया, ठीक है, तो ये इंडिया लिख दिया। अब इंडिया क्या लिखते हैं, भारत लिख देते हैं, ठीक है, BHARAT, ठीक है, तो ये भारत हो गया। और यहाँ से मार्क्यू टैग को क्लोज करेंगे, तो ये मार्क्यू टैग क्लोज हो गया, और एंटर करके नीचे आएंगे, तो अभी हमको H1 को भी क्लोज करना है, तो ये H1 को भी क्लोज कर दिया। अब नीचे आते हैं, फिर वापस से हम क्या करते हैं, H2 लेते हैं। इस बार H2 लिया, इस बार भी हम मार्क्यू लगाएंगे, और मार्क्यू में कुछ एट्रीब्यूट देंगे। जैसे मार्क्यू में एट्रीब्यूट क्या दे दिया हमने, मार्क्यू का डायरेक्शन दे दिया, डायरेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्या दे देंगे, डायरेक्शन दे देते हैं हम अप, UP अप, ठीक है, इसको बंद करेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर भी कुछ लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया देवरिया, ठीक है, देवरिया लिख दिया, यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। और यहाँ से मार्क्यू, MARQUE, ठीक है। स्पीड अगर बढ़ानी है तो मैं इसी को क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये डायरेक्शन जो दिया गया है, अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं अप नहीं रखूंगा, अप हटाऊंगा यहाँ से, तो यहाँ पे ये अप हटा देता हूँ, ये जो अप लिखा हुआ है इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रॉल अमाउंट दे देंगे, क्या देंगे, स्क्रॉल अमाउंट, AMOUNT, तो स्क्रॉल अमाउंट। अब देखिएगा जरा, यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट कर दिया 100, ठीक है, यहाँ पे तो 100 कर दिया। अब ये देवरिया लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे हटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं चाइना, तो चाइना जल्दी से भाग रहा है इंडिया से, तो यहाँ पे चाइना लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखिए, ये H2 को क्लोज नहीं किया है, तो H2 को भी क्लोज करना बेहद जरूरी है, ठीक है, तो यहाँ पर H2 को क्लोज किया, H1 नहीं बल्कि H2, ठीक है, H2 हेडिंग 2 होती है, और यहाँ से H2 को इसको भी क्लोज करेंगे। अगर क्लोज नहीं करेंगे तो ये चलेगा नहीं ठीक से कोड हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्क्रॉल अमाउंट 100 दिया हुआ है, तो इसको मैं फिर वापस से कॉपी करता हूँ, और यहाँ से कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक और देश का नाम लिख देते हैं, कोई लाइक यहाँ पर लिख देते हैं सऊदी अरबिया, अरेबिया, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। और अब जो है इसकी जो स्क्रॉल अमाउंट है उसको कम करेंगे, 50 रखेंगे, ठीक है, तो दोनों में आप डिफरेंस देख पाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अभी हम इसको आउटपुट इसका दोबारा से देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आया। तो मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए, ये जो 100 दिया उसका है, तो इसकी स्पीड देखिए, और ये जो 50 दिया उसकी स्पीड देखिए, दोनों की स्पीड में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं इसकी स्पीड डाउन करता हूँ तो हमें क्या करना होगा, स्पीड को कम करने के लिए यहाँ से बस हमको स्क्रॉल अमाउंट कम करना है। जैसे मान लीजिए ये 100 किया था ना, अगर यही मैं 10 कर देता हूँ और 10 करके इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप देखेंगे स्पीड काफ़ी स्लो हो गई। ये देखिए, ये काफ़ी तेज थी स्पीड इसकी, ऊपर वाला जो चाइना था, चाइना को जल्दी से हम लोग भगा रहे थे, तो ये काफ़ी स्लो हो गया स्पीड इसका, ठीक है। लेकिन यही इसकी स्पीड अगर हम यहाँ से 150 कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ 150 कर दिया था, पहले 100 था, अब 150 कर दिया, तो देखिए ये स्पीड बन जाएगी इसकी, देख रहे हैं, जल्दी से भाग रहा है, इंडिया से जल्दी से भाग गया ये, ठीक है। तो चाइना जो है इस तरीके से बहुत तेजी से मूव कर रहा है, तो आप वेबसाइट बनाते समय इसका यूज कर सकते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग होगा अगर आप इसको यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे लगेगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।